हड़ताल पर प्रदेश सरकार द्वारा एस्मा लगाने के बाद भी हड़ताल पर बैठे लेखपालों के खिलाफ कन्नौज जिला प्रशासन ने बड़ी कार्यवाही करते हुए 22 लेखपालों को सस्पेंड कर दिया है, जबकि 100 से ज्यादा लेखपालों को सेवा समाप्ति का नोटिस दिया गया। डीएम रविंद्र कुमार ने बताया कि सरकार द्वारा हड़ताल पर एस्मा लगाने के बावजूद लेखपाल नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। लेखपालों को हड़ताल पर न बैठने की हिदायत दी गई थी, लेकिन बावजूद लेखपाल कलेक्ट्रेट परिसर में हड़ताल पर बैठे थे, जिसके चलते लेखपालों पर कार्यवाही की गई है। उन्होंने बताया कि 24 लेखपाल सस्पेंड किए गए हैं, बाकी की सेवा समाप्ति के नोटिस दिया गया है। उन्होंने बताया कि इसके बाद भी लेखपाल हड़ताल पर जाते हैं तो उन पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। माननीय राज्यपाल द्वारा 13 दिसंबर को अधिसूचना जारी करते हुए लेखपालों की हड़ताल को निषिद्ध किया गया है। इसके क्रम में अपर मुख्य सचिव साहब का निर्देश है कि इनके विरुद्ध यदि कार्य से विरत रहते हैं तो कार्यवाही की जाए। आज तहसील दिवस के दिन लेखपालों की अनुपस्थिति में उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है, जिसमें अनुपस्थित लेखपाल 88 लेखपालों का आज के वेतन को काटा गया है नो वर्क नो पे के सिद्धांत के आधार पर, तथा भविष्य में यदि ये काम नहीं करते हैं तो फिर इनके विरुद्ध सेवा से पृथक किए जाने की भी कार्रवाई की जाएगी। इसे हेतु इनको नोटिस भी निर्गत कर दिया गया है, तथा 8 लेखपालों को निलंबित करते हुए उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई भी संस्थित की गई। इस समय लेखपाल के द्वारा जो स्ट्राइक की जा रही है उसमें शासन द्वारा बहुत ही सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं, और हम लोगों ने कल 22 लेखपाल निलंबित किए हैं और बाकी लोगों को ब्रेकिंग सर्विस का नोटिस भी दिया गया है कि यदि उनके द्वारा शीघ्र काम पर नहीं लौटा गया तो उनकी सेवा अवरुद्ध कर दी जाएगी, और पूरी तरीके से उनको हम लोगों ने कहा है कि अपने काम पर लौटें और जिससे जन सामान्य का काम प्रभावित ना हो।